अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इरफान अली कल्चरस। इस वीडियो में हम आपको ताहर भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर लगा हुआ है लबर के डिफरेंट म्यूटेशन में। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा, पार्ट वन जाके लाजमी देखिए। उसमें हमने ताहर भाई छोटा सा इंटरव्यू लिया हुआ है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है लबर के बारे में। आए विजिट करते हैं ताहर भाई का लबर का सेटअप। सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? जी ये मेरे पास ये मोटिशंस है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ पेलफेल भी है, डिल्यूट भी है, अप्लायंस में भी है, ठीक है। ये जैसे ये मेरा पेल है, ठीक है। ये ब्लू अप्लायंस मेल है इसमें, ठीक है। ये मेरा इन्होंने परचेज किया है डॉक्टर बसत से, कराची से। और इसमें जो रिंग है इसका, वो BVA किया है, सही, यानी कि अच्छी ब्रीड ली है मैंने। और इसके साथ ग्रीन यूविंग की फीमेल है, ठीक है। ये अवैस अलियासा के भाई है जो मेरे, ये उनके घर की है। इनका रेट वगैरह क्या जा रहा है ताहर भाई? इनका रेट आपका क्वालिटी के हिसाब से है। एक चीज़ आपको 50,000 में भी मिल जाएगी वही, लेकिन आप जब इसमें क्वालिटी में जाएंगे हो सकता है वो आपको 1,00,000 में भी मिल सकती है, ठीक है। अब ये ब्लू अपलाइन का आप देखें, इसकी क्वालिटी देखें, इसका स्टैंडर्ड देखें, इसका साइज देखें, ठीक है। फीमेल जितना इसका साइज है, ये डॉक्टर बासर से मैंने जो है ना तकरीबन, अब रेट का आइडिया तो आप खुद ही लगा लें इसकी देख के, ये तकरीबन 2,00,000 में लिया मैंने। ओके, तार भी इसके बाद क्या दिखाएंगे आप? इसके बाद मेरे पास ये पेल फैलो में भी है, ठीक है। ये पेल फैलो विजुअल पीस में है, ठीक है, वायलेट में। इसका जो है क्वालिटी आप चेक करें, ये अदनान भाई शाही भाई हैं, उनके घर के है, ठीक है। और इसके साथ ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फैलो फीमेल है, ये पेल फैलो की वर्किंग के लिए। आपने पट्टे तैयार किए सर अदार में? जी ये सब पट्टे तैयार किए हैं। कोई भी आपने ब्रीडर पेयर परचेज नहीं किया? ब्रीडर पेयर कोई नहीं किया, ये सब जो है मेरा ये फर्स्ट सीजन है इस टाइम। और रात को बॉक्स हैंग किया है इनको मैंने, और रात को ही नेस्टिंग दी है। तो उसका मेरे ख्याल से 2-4 पेयर तो है, मैंने नोट किया, वो नेस्टिंग तो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है रात में। तो केज साइज का दिया उतार भाई अपने? केज साइज मेरे पास इस टाइम ना 3 केज साइज है, ठीक है। ये 1.5 फुट है और इसकी 3 फुट गहराई है, ठीक है। और 5 खाने इसके। और ये केज जो है मेरा, इसका 1.5 फुट फ्रंट है, 2.5 फुट गहराई है, और 5 खाने हैं इसके। और ये इधर जो है मेरे, ये 1.5x1.5 के 8 खाने वालों है। तो बेस्ट किस साइज़ क्या रहता है ताहर भाई? बेस्ट साइज तो मेरे ख्याल से ये है ब्रीडिंग के लिए। इसमें आपका बर्ड खुश भी होगा, उसको फ्लैट भी मिलेगी, ठीक है। और उसका प्रॉपर जो है ना,
एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे जाएगा, दूसरी स्टिक से इससे उसकी एक्टिविटी जो है ना बर्ड आपका खुश रहेगा। इसके बाद आर भाई क्या देखेंगे आप? इसके बाद आप मेरे पास ये क्रीमिनो में है, क्रीमिनो और डेकिनो है, क्रीमिनो और डेकिनो। इसके में मेरे इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आएगा, क्रीमिनो में भी आएगा, डेकिनो में भी आएगा, ये आ जाएगा कमर्शियल वैरायटी में। इसके लिए आपको जो है ना कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको बंदा खुद आके आपको ढूंढेगा कि मुझे क्रीमिनो डेकिनो चाहिए। ठीक है, म्यूटेशन के साथ आपको कमर्शियल वैरायटी लाजमी लगाना होगी अगर तो आपने सर्वाइव करना है। ये नहीं कि आप म्यूटेशन लगा के बैठ जाएं बाद में आपके पास कस्टमर ही ना आए। ठीक है, आई चिलाई इसे कहते हैं, आई चिलाई, आई चिलाई के लिए आपको कमर्शियल जो है आइटम ये लाजमी लगानी पड़ेगी। अरे भाई रेट क्या जा रहा है क्रीमो डेकिनो का? क्रीमिनो डेकिनो जो है मैंने 40,000 क्रीमिनो और 30,000 जो है 30,000 डेकिनो इस पर परचेज किया हुआ पट्ठों में। ठीक है, यानी कि 70,000 में मेरा ये पेड़ तैयार हुआ है और ब्रीडर का अब जाहिर बात है ये अब तैयार है, अडल्ट है। ठीक है, जैसे ही ये ब्रीड तैयार करेंगे पट्ठे का रेट और होगा, बड़े पीस का रेट अलग चले जाएगा। वो ये तो जाहिर बात है कि 1,00,000 से अब इसका ऑटोमेटिक रेट है, कितना इन्होंने मेरा 7-8 माह में एक पेड़ ने कितना मेरा खर्चा करवा लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 करवा लिया होगा। ठीक है, यानी कि 70,000 लगा के 5,000 मैंने खिला दिया, 75,000 में पड़ गया। इस टाइम पे ये अगर पेज को बंदा सेल करता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे 25 या 30,000 रुपया दे के ही जाएगा, नुकसान नहीं करके जाएगा। उसका बच्चा कितने का रुपये का सेल हो रहा था? इसका बच्चा लास्ट सीजन जो रेट था क्रीमिनो का वो 35,000 से लेके 50,000 रुपये तक का सेल हुआ है। वो एक तो जो रेगुलर रेट था वो था 40,000 और जो लोकल फैंसियर है उसने तो बेचने की बात की कि मैं 35 में ही बेच दूं, लेकिन जो ब्रीडर है उसने 50 से कम भी नहीं बेचा। ठीक है, इसी तरह अल्बाइनो का जो था पिछले साल ये जब मैंने परचेजिंग की, अब मैंने अल्बाइनो 11,000 में भी परचेज किया और अल्बाइनो मैंने 15,000 में भी परचेज किया। ठीक है, 15,000 क्यों किया? क्यों? वो ब्रीडर था, उसका नाम था, उसका साइज था, उसकी क्वालिटी थी। ये नहीं कि आप बस ये कहें नहीं यार ये अल्बाइनो है ये मैं तो मुझे 10,000 में मिल रहा है, ठीक है, तो मैं यही ले लूँ मुझे सस्ता मिल रहा है। लेकिन आप उसकी क्वालिटी पे जाएं, उसके साइज पे जाएं, बर्ड की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी ब्रीड अच्छी आएगी। ओके, तार भाई आपके दिखाएंगे आप? अब मेरे पास ये है ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल्फेलो है, इसके साथ ब्लू स्प्लिट पेल्फेलो बेल है। ठीक है, ये भी पेल्फेलो की वर्किंग है, ज़्यादातर मैंने वर्किंग जो है ना वो पेल्फेलो में है, डेलूट में भी, क्योंकि आने वाला जो सीज़न है ना नेक्स्ट, ये आपका पेल्फेलो और डेलूट इसमें जाएगा। ओके, अब उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद ये पार्बुलो स्प्लिटिनो है जी, पार्बुलो स्प्लिटिनो है और ब्लू फिश्टी है। ठीक है, ये भी मेरी इनो की वर्किंग है, इसमें मेरे पास जो है पार्बुलो भी आएंगे, उसके बाद अल्बाइनो भी आएगा इसमें, ये यानी कि आपकी इनो की वर्किंग है। ठीक है, ये ऊपर है फिर इसमें ये मिस्ट्री के ये फीमेल है, इसका आप साइज देखें, इसका कलर देखें, इसकी क्वालिटी देखें। ठीक है, तो उसका रेट वगैरह तार भाई? ये मैंने तकरीबन जो है ना मुझे आइडिया है तकरीबन 80,000 में मैंने ये फिर परचेस की थी। ठीक है, मेल इसके साथ स्प्लिट का है, ये भी माशाल्लाह अच्छी वर्किंग आएगी, रिजल्ट अब जाहिर बात है ब्रीड आएगी तो रिजल्ट आपके सामने ही है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह जैसे आएंगी। उसके बाद ये अल्बाइनो पेस्टल लगाया हुआ है मैंने, अल्बाइनो रेड एंड ब्लैक कम्बिनेशन मैंने रेड एंड ब्लैक की हुई है। ठीक है, रेड टू रेड ये पेयर ही पेस्टल है, इसका रेट क्या जा रहा है? ये पेस्टल मैंने 20 से 25 के दरमियान खरीदा था, ये मैंने क्योंकि मैंने 7-8 पीस मेरे पास ये भी मौजूद है और 20 से 25 की एवरेज में जो है ना 22,000 आप इनकी एवरेज निकाल लें उसी रेट से खरीदा था। तो ये इनसे माशाल्लाह अल्बाइनो भी आएगा, क्रीमिनो भी आएगा, डेकिनो भी आएगा, पार्बुलो भी आ सकता है।
इस तरह मुख्तलिफ आप वर्किंग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो तार भाई अपने रेड आइज के साथ ब्लैक आइज क्यों लगाया होगा? रेड आइज और ब्लैक आइज का मकसद लगाने का ये है कि आपके बर्ड की सर्वाइवल हो बच्चों की, ठीक है, रिजल्ट आपको अच्छा हो, ब्लड आपका वीक ना हो। ब्लड वीक होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब ब्लड स्ट्रॉन्ग होगा, रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन लगाने का मकसद ये है कि आप उसका ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि उसकी सर्वाइवल अच्छी हो, उसकी ब्रीड अच्छी आए, और उसके लिए ये ब्लैक के उसमें जो आपके बच्चे आएंगे ब्लैक है वो आपके स्प्लिट के होंगे। अब कोई न्यू फैंसियर वो रेड आई ज़्यादा बात है उसका रेट ज़्यादा होगा, वो नहीं खरीद सकता। वो जब स्प्लिट का देगा उसकी छोटी इन्वेस्टमेंट में उसकी उसको रिजल्ट बड़ा मिलेगा। उसके रेड आई के भी बच्चे आएंगे, ठीक है, उसका अल्बाइनो भी निकल सकता है, उसका क्रीमिनो भी निकल सकता है। अगर वो स्प्लिट पेल फैलो में है उसका विजुअल पेल फैलो में भी आ सकता है, ऑफलाइन में भी आ सकता है। अब मेरे ये पेल है मैंने जो फोस्टर के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है, ये लटीनो फसनाटा में है, ठीक है, इसका भी आप देखें क्वालिटी देखें साइज देखें। ये भी अपने ब्लैक रेड से लगाया हुआ है, ये रेड है, इसमें ये फिशरी की फीमेल है और ब्लैक आई का मेल है। तो तारा भाई फोस्टर पेयर की सिलेक्शन कैसे करते हैं कि जो अच्छा फोस्टर पेयर कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? फोस्टर पेयर जो है आपको उस वक्त ही पता चलेगा जब आपके पास ये ब्रीड करेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपने ये नहीं कि आपके पास ये मेरा जैसे ये फर्स्ट सीजन है और मैं रिस्क ले लूँ, मैं उसके पेल फैलो के अंडे पकड़ूँ, फौरन उसकी फिशर के नीचे रख दूँ। पहले मैं फिशर का रिजल्ट देखूँगा। अब ये फर्स्ट जो मैंने क्लच ये मैंने फोस्टर नहीं करना, वो तमाम पेयर्स का मैं देखूंगा कि मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आता है, कौन सा पेयर मेरा अच्छी क्वालिटी देता है इसके बच्चे पालने के हवाले से। जो मेरा पेयर अच्छा होगा, बच्चे अच्छे पालता है, ठीक है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, साइज़ उसका बर्ड का वो ठीक बनाता है, फीड अच्छी करवाता है, तो मैं उसको एज ए ही फोस्टर ही यूज़ करूँगा। इस टाइम मैंने 25 से 30 पेयर जो है ना फोस्टर के लिए लगाए हैं। जब मेरा पास इनका रिजल्ट आएगा पहली ब्रीड इनसे मैं लूँगा। तो तार भाई आपके मुताबिक एक मेन पेयर के लिए कितने फोस्टर पेयर होने चाहिए? मेन पेयर के लिए अब मैंने ये जैसे मेरे पास सिस्टम बाकी पेयर जो है ना 25 से 30 जो है मेरे पास सिस्टम मोटिशंस में है, 25 से 30 ही जो है इस टाइम कमर्शियल वराइटी में है, और 25 मैंने पेयर जो है ना इसमें फोस्टर के लिए लगाए हुए हैं। मतलब कि एक आपके मेन पेयर के लिए एक फोस्टर पेयर रख लें? हाँ, एक पेयर भी ठीक है, आप दो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आप इसको डेली जब चेक करेंगे आप देखेंगे कि इसमें एग है, इसमें बच्चा है, या इसमें बच्चा निकल आया और इसका भी बच्चा निकल आया हुआ है, वो बच्चों के से भी आप फोस्टर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एग फोस्टर करने हैं, एग के साथ आप बच्चे भी फोस्टर कर सकते हैं कि जो एक एक साइज़ के जो है ना, ठीक है, वो उनको फोस्टर करें, ताकि उससे जो एंड पे आपका छोटे बच्चा है ना वो आपका एक्सपायर ना हो। बाद ये होता है कि जो फर्स्ट डे बच्चा निकला हुआ है आपका उसकी एज होगी 8 से 10 दिन, उसका साइज और होगा, और जो आपका लास्ट डे निकला है वो तो एक दिन का बच्चा होगा, वो एक्सपायर होने के आपके चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद ये मेरे पास पैलेट की फीमेल है जो वकास भाई गुलशन अभी में है भाई, उनसे मैंने परचेज़ की थी, और इसके साथ ये पार ब्लू का आप मेल चेक करें, इसकी क्वालिटी देखें, ये डॉक्टर बासर साहब के घर की है मेल है ये, तो ये उनके साथ, इसके लिए मैंने पैलेट का स्प्लिट का मेल भी लिया हुआ है, लेकिन उसकी अभी एज कम है, उसको मैंने सेपरेट कर दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने इसके लिए ये जो है पार ब्लू का इसके लिए मेल सजेस्ट किया है, इसके में मेरे पास रिजल्ट आएगा, पैलेट भी आएगा, पैलेट ऑफलाइन भी आएगा, ठीक है, स्प्लिट पैलेट ऑफलाइन भी आएगा, ये 3-4 मेरे पास रिजल्ट आएंगे। इसका जो मेल है वो बेसिकली जो मैंने सजेस्ट किया हुआ है वो ये है, वो मैंने सेपरेट है, ये अबरार चीपा साहब है, ठीक है, कराची से, ये मैंने उनसे परचेज़ किया था, ये 2.5 लाख का मेल है खाली स्प्लिट का, ये पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट, ठीक है, और ये फीमेल 3 लाख की मैंने ली हुई है। ये जो है ना पेल फेलो में है, ठीक है, इसमें विजुअल का मेल है, विजुअल पेल फेलो में है, और स्प्लिट के इसके साथ जो है ना फीमेल है, ये भी मेरी पेल फेलो की ही वर्किंग है। इसके बाद ये ऊपर ये डेलूट में है, ठीक है, ये भी अदनान शाही भाई हैं, उनसे मैंने ही परचेज किया। क्वालिटी जो जितनी भी है ना मैंने अच्छी
वो तमाम हाई ब्रीडर जितने भी हैं उनसे परचेज की हुई है। चलें ताहर भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना सेटअप विजिट करवाया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया आपको सेटअप विजिट करके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू।